एक लालची ऑटो ड्राइवर, ऑटो वाटर टैंकर। वो राजस्थान का एक गांव था। उस रेगिस्तान में हर तरफ रेत के ठेले रहते थे। पूरा गांव रेत से भरा रहता था। बारिश नहीं गिरने के कारण कुएं, तालाब सब सूखे हुए थे। पेड़ भी सूखे थे। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था। गांव वाले उस कुएं में पानी पकड़कर लाते रहते थे। गर्मियों में वो कुआं भी सूख जाता था। इस वजह से सरकार उस गांव में पानी के टैंकर भिजाती थी। उस पानी के टैंकर के पास गांव वाले पानी पकड़ते थे, मगर वो बस नहीं होने के कारण बहुत परेशान होते थे। उसी गांव में जिष्णु नाम का एक युवक हुआ करता था। वो धोखेबाज और कंजूस भी था। उसके पास एक वाटर टैंकर ऑटो ट्राली थी। वो उसमें पानी लाकर गांव वालों को बेचता था। घड़े को इतने पैसे, बकेट पानी के लिए इतने पैसे कहकर अलग अलग दाम रखकर पैसे वसूल करता था। बार बार दाम बढ़ाकर लोगों को बहुत सताता था। उतना ही नहीं, वहां पर कभी कभार आने वाले सरकारी वाटर टैंकर वाले को भी पैसे देकर और थोड़े दिन रुककर आने के लिए कहता था। उसका पानी बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था। एक बार पानी पकड़ते हुए एक महिला, क्या भाई विष्णु, ये पानी इतना गंदा क्यों है? बास आ रही है, जानते हो? बोली तो दूसरी महिला, हाँ भाई, जरा साफ सुथरा पानी लाकर दे सकते हो ना, पानी मैला है। बोली जिष्णु तब, देखो माँ, मेरा खुद का एक वाटर प्लांट है, उसमें पानी शुद्ध बनता है। शायद तुम्हारे घड़ों में ही मिट्टी और मैल होगा। पहले घड़े को अच्छे से धोना सीखे। बड़े आए मेरे पानी के बारे में बात करने वाले, आपके देने वाले पैसों से बिस्लरी पानी लाकर दूँ क्या? हैं? कहकर उल्टा उन्हें डांटता था। असल में उसके पास कोई वाटर प्लांट नहीं था। वो गाँव से थोड़ी दूर में मौजूद एक गंदे तालाब में से पानी पकड़कर लाकर लोगों को बेचता था। एक बार चार युवक एक वैन में उस गांव को आए। वो लोग उस वैन के अंदर से एक बड़ा टीवी बाहर निकालकर वहां पर एक मेज रखकर उसके ऊपर टीवी को रखे। बगल में साउंड सेटअप का भी इंतजाम किए। उसे देखकर गांव वाले सब वहीं इकट्ठा हुए। ठीक उसी समय जिष्णु ऑटो में पानी लेकर आया। वो गाड़ी से उतरकर, ये क्या, ये गांव वाले मेरे ऑटो के आते ही घरों को भागकर घड़े और बकेट लाकर मुझ पर टूट पड़ते थे। आज क्या हुआ, ये सब वहाँ पर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? हेलो माँ, आइए आकर पानी पकड़िए, कहकर पुकारा गांव का मुखिया। रुको भाई जिष्णु, ये लोग कौन है कहकर इनसे पूछ रहे हम, तुम भी आओ, कहकर उन लोगों से मुखिया, बेटा तुम लोग कौन हो, ये सब क्या है, कहकर पूछा। एक, सर हमारी कंपनी ने एक नई टीवी को लॉन्च किया है, हम लोग इसे प्रमोट करने के लिए ही आए हैं। हमारे पास हर साइज के टीवी हैं। ये 82 इंचेस का टीवी है। ये 4K रेजोल्यूशन में सिनेमा दिखाएगा। इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड भी है, आवाज भी बढ़िया आएगी, कहा जिष्णु तब। भाई ये सब यकीन करने के लिए हम नादान नहीं है, पहले कोई ना कोई सिनेमा चलाकर दिखाओ, तब देखेंगे ये टीवी कैसे काम करता है, कहा वो आदमी तब। किसी और का सिनेमा क्यों, जिष्णु जी आपका सिनेमा ही चलाऊंगा, कहा जिष्णु तब। क्या मेरा सिनेमा चलाओगे, तुम क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या, मुझे सिनेमा एक्टर समझ रहे हो, कहा तो वो, आप उन सबसे भी बढ़िया एक्टर हो, सिनेमा का नाम जानते हो, जिष्णु का मैजिकल पानी, कहकर रिमोट का बटन दबाया। तब टीवी में जिष्णु गंदे तालाब में से पानी भरना, टैंकर वाले को घुस देना, ये सब दिखने लगा। बस गांव वालों को बात समझ आकर सब मिलकर जिष्णु को पकड़कर उसे खूब मारे। जिष्णु तब, बापरे बापरे, रुको रुको, मैं मर जाऊंगा भाई, वैसे अब कौन है, कहकर पूछा। वो तब, हम पुलिस वाले हैं, मुफ्ती में आए, चलो स्टेशन में हम भी तुझे पीटेंगे, कहा। ऐसे वो लोग उसे जेल में डालकर पकड़कर मारे।